देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश भर में इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, उसके बाद तमाम तैयारियों पर भी जोर है। और आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर से पहले तैयारियों के लिए इस वक्त सरकार मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रैपिड रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया है। रैपिड रिस्पांस सेंटर में 30 आईसीयू बेड्स होंगे, वेंटिलेटर की सुविधा होगी और जो पेशेंट्स वहां पर पहुंचेंगे, जो कोविड पेशेंट्स वहां पर पहुंचेंगे, उनका ध्यान वहां रखा जाएगा। किसी भी पेशेंट को अगर बेड मिलने में दिक्कत होगी तो वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम होगी, वो उन्हें मदद करेगी। क्या क्या इस रैपिड रिस्पांस सेंटर में मरीजों के लिए सुविधाएँ होंगी, व्यवस्था की गई है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको बता दें, इस रैपिड रिस्पांस सेंटर में पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी हर बेड पर और इसके साथ वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी हर बेड पर। साथ ही साथ वहां पर रैपिड रिस्पांस टीम की मौजूदगी के अलावा जो क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट्स होते हैं वो वहां रहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स रहेंगे पेशेंट्स को देखने के लिए। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ भी वहां पर मौजूद रहेगा और जो तमाम टेक्नीशियंस हैं वो यहां पर रैपिड रिस्पांस सेंटर में रहेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत वहां मरीजों को ना आए। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रैपिड रिस्पांस सेंटर का उद्घाटन किया और इसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में तेजी के साथ तमाम तैयारियां की जा रही हैं। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया है वो आपको बताते हैं। सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगली कोविड लहर से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक रैपिड रिस्पांस सेंटर बनाया है। इस रैपिड रिस्पांस टीम भी यहां पर 24 घंटे 7 दिन काम करेगी और कोविड रोगियों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी। इससे पहले भी जब स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में तमाम तैयारियां की जा रही हैं, 37,000 बेड्स बनाए जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है थर्ड वेव के लिए। इस बार हम 37,000 बेड्स के लिए इंतजाम कर रहे हैं जिसमें 12,000 आईसीयू बेड रहेंगे। ऑक्सीजन की भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो हर तरीके से जो वेव पहले तो कहेंगे कि ना ही आए तो अच्छी बात है, अगर आती भी है उसकी तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए खतरा कुछ ज्यादा बताया जा रहा है, बच्चों के लिए भी अलग से तैयारी की जा रही है। फिलहाल अगर दिल्ली की हम बात करें तो मौजूदा हालात अभी दिल्ली में संभले हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के जो केसेस हैं वो 100 के नीचे ही चल रहे हैं पिछले काफी वक्त से। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा था कि जो दिल्ली में पॉजिटिविटी दर है वो 0.03 पर पहुंच गई थी। ऐसे में उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर आती है तो उसके लिए सरकार की जो तैयारियां हैं उनके बारे में हम आपको तमाम अपडेट देते रहते हैं। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।